Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. So what it says, find the acceleration of the block of mass capital M in the situation of figure. The coefficient of friction between the two blocks is mu1 and that between the bigger block and the ground is mu2. Okay, so इस तरह से डायग्राम दे रखा है. यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन mu1 दे रखा है और यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन mu2 दे रखा है और हमें जो कैपिटल एम है उसका एक्सेलरेशन निकालना है. सो आप अगर इसे ध्यान से देखो तो एक्चुअल में मोशन क्यों होगा, देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, राइट. सो मोशन कराएगा कौन, जो स्मॉल एम है उसका वेट, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ स्मॉल एम ये नीचे की तरफ मूव करेगा या फिर कहो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा. ये जो स्मॉल एम है अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है तो जो कैपिटल एम है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रिंग. सो एम को नीचे जाने के लिए, जो स्मॉल एम है नीचे जाने के लिए स्ट्रिंग का लेंथ की ज़रूरत पड़ेगा और वो कहाँ से आएगा, वेन जो कैपिटल एम है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ एक्सेलरेट करे, है ना. सो मान लेते हैं कुछ एक्सेलरेशन कैपिटल एम का आगे की तरफ ए वन और स्मॉल एम का नीचे की तरफ ए टू. फर्दर जो स्मॉल एम है उसका एक एक्सेलरेशन और होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ए वन. क्यों, बिकॉज जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है वो हमेशा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, है ना. अगर कैपिटल एम ए से आगे जाता है, ए वन से आगे जाता है, तो स्मॉल एम को भी ए वन से आगे की तरफ एक्सेलरेट करना पड़ेगा बिकॉज दे विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. इनका जो सरफेस है यहाँ पे देखो, ये कभी ब्रेक नहीं होगा, है ना, सरफेस कॉन्टैक्ट. सो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर बोथ द ब्लॉक्स विल रिमेन सेम. सो हमने ए वन मान लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. फर्दर इसमें कुछ टेंशन होगा तो उसे टी एज्यूम कर लेते हैं. अब हमें ए वन का वैल्यू निकालना है, सो उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. यहाँ पे आप, यहाँ पे हम कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो सबसे पहले देखो आप, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट है तो इनके बीच में एक नॉर्मल होगा. देर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, सो वहाँ पे नॉर्मल होगा. इस तरह से ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम. सो नॉर्मल एन वन और इसमें आगे की तरफ एन वन दिखा देते हैं, है ना. जब भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो दो फोर्स होते हैं, एक तो नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स. सो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अगर ये स्मॉल एम नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा. मतलब जो स्मॉल एम है उसमें ऊपर की तरफ एन वन इंटू म्यू वन और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इसमें नीचे की तरफ लगेगा एन वन इंटू म्यू वन. ओके, अब हम वेट की बात करते हैं तो जो कैपिटल एम जी है वो नीचे की तरफ लगेगा और फर्दर नॉर्मल लगेगा ग्राउंड से, एन टू कह लेते हैं. और ये देखो आप, ये पुली से कनेक्टेड है ना ये ब्लॉक, सो यहाँ पे पुली से कनेक्टेड है सो पुली में भी टेंशन लगेगा, राइट. सो पुली में आगे की तरफ टेंशन टी और नीचे की तरफ टेंशन टी. सो इस डायरेक्शन में टेंशन टी होगा और एक टेंशन नीचे की तरफ भी होगा. सो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, है ना, ये जो पुली है इसमें इस तरह से टेंशन आगे और नीचे की तरफ, तो ये जो टेंशन है मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया. और अगर ये जो कैपिटल एम है आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ए वन से, सो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बाय द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन और वो लिमिटिंग लगेगा एन टू इंटू म्यू टू, है ना. अब हम स्मॉल एम पे चलते हैं. स्मॉल एम में ऊपर की तरफ टेंशन है. अच्छा, इसमें भी एक और टेंशन है ना, यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कैपिटल एम, तो आगे की तरफ एक टेंशन और है ना, ये वाला टेंशन. स्मॉल एम में ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ इसका वेट, फाइन. और आप देखो इसके जो एक्सेलरेशन है आगे की तरफ a1 होगा और नीचे की तरफ हमने a2 एज्यूम किया था. नाउ वी कैन राइट f इज इक्वल टू एम ए फॉर बोथ द ब्लॉक्स, है ना. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में. पहले कैपिटल M की बात करते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्सेस लिखोगे, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर सो आपको ना थोड़ा क्लियर होगा. ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंशन है, है ना, और एक और टेंशन है तो दो टेंशन है, सो टू टी माइनस नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ माइनस एन वन और एन टू इंटू म्यू टू माइनस एन टू इंटू म्यू टू, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए वन. और वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स को बैलेंस कर देंगे क्योंकि कोई मोशन नहीं है. सो नीचे की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ एन वन म्यू वन है, सो टेंशन प्लस एन वन इंटू म्यू वन और नीचे की तरफ वेट है ना, सो कैपिटल एम इंटू जी, दैट शुड बी इक्वल टू एन टू. अब स्मॉल एम पे चलते हैं. स्मॉल एम पे देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एन वन है और सिर्फ एक ही फोर्स है और इसका एक्सेलरेशन ए वन, सो एन वन दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए वन.
वर्टिकल डायरेक्शन में ए टू है, सो नेट फोर्स एम जी माइनस एन वन इंटू म्यू वन माइनस टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए टू। सो चार इक्वेशन आ गई। अब वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स क्या क्या है? टेंशन नहीं पता हमें, एक्सेलरेशन नहीं पता, टेंशन नहीं पता, ए वन ए टू एक्सेलरेशन नहीं पता और नॉर्मल रिएक्शंस भी नहीं पता एन वन एन टू। आपके पास वेरिएबल कितने? फाइव वेरिएबल है और इक्वेशन चार है, सो हम सॉल्व नहीं कर सकते, एक इक्वेशन और चाहिए। अब वो एक इक्वेशन कहाँ से आएगी? इक्वेशन आएगी रिलेशनशिप बिटवीन ए वन एंड ए टू। देखो बोथ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल स्ट्रिंग, सो देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक। अब हम फाइंड करते हैं कि क्या रिलेशन होगा। जैसे हम फिजिकली अगर इसे फील करें, सो अगर आप देखो जो कैपिटल एम है वो आगे की तरफ मूव करता है कुछ डिस्टेंस एक्स वन, एक्स वन आगे की तरफ अगर वो मूव करता है, सो कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज होगा, हाउ मच लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी रिलीज्ड व्हेन कैपिटल एम मूव्स फॉरवर्ड बाय अ डिस्टेंस एक्स वन। सो नीचे की तरफ यहाँ से भी एक्स वन लेंथ रिलीज होगा और ऊपर की तरफ भी एक्स वन, सो ट्वाइस ऑफ एक्स वन, और दैट पर्टिकुलर लेंथ विच हैज बीन रिलीज विल हेल्प द स्मॉल एम टू मूव डाउनवर्ड। सो अगर कैपिटल एम एक्स वन एक्स डिस्टेंस आगे मूव करता है तो जो स्मॉल एम है नीचे की तरफ टू एक्स मूव करेगी। इसका मतलब ए वन दैट शुड बी इक्वल टू सॉरी नीचे की तरफ जो ए टू है ना, स्मॉल एम का ए टू जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वन। इस तरह से फील करो, जो कैपिटल एम है अगर एक्स आगे के मूव करता है, एक्स डिस्टेंस आगे मूव करता है, तो जो स्मॉल एम है वो टू एक्स नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट? या फिर आप इसे अगर फील नहीं कर पा रहे हो देन वर्क डन बाय टेंशन से कर लो। वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम कितना होता है? जीरो। सो इस तरह से देखो, सिर्फ मैं टेंशन वाले फोर्सेस दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे टी था, नीचे की तरफ टी था और यहाँ पे आगे की तरफ टी था, और जो स्मॉल एम है ये कैपिटल एम है इसमें ऊपर की तरफ टी है। अब हम बात करते हैं कि अगर जो इस कैपिटल एम है आगे की तरफ एक्स वन डिस्टेंस मूव करता है तो जो स्मॉल एम है नीचे की तरफ एक्स टू डिस्टेंस मूव करेगा। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन इन कैपिटल एम? इसमें कितना वर्क कर रही है टेंशन? देखो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्सेस है सिर्फ वही वर्क करेंगे, जो परपेंडिकुलर, जैसे ये वाला टेंशन जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के, उसका कोई वर्क नहीं होगा। सो टू टी इंटू एक्स वन, एंगल कितना है? जीरो। और इसमें कितना वर्क किया टेंशन ने? माइनस ऑफ टेंशन इंटू एक्स टू, और नेटवर्क डन जीरो होना चाहिए। सो ट्वाइस ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और डबल डिफरेंशिएट करके ट्वाइस ऑफ ए वन दैट शुड बी इक्वल टू ए टू, सो ए टू दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वन। सो फिफ्थ इक्वेशन आपका जो आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिफ्थ इक्वेशन आ रहा है ए टू दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वन। सो यहाँ से देखो आपके पास पांच इक्वेशन है, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट? एंड यू हैव फाइव वेरिएबल्स, सो इजिली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जितना कॉम्प्लिकेटेड ये दिख रहा है उतना है नहीं। जैसे ए टू की हम मैं बात करूँ तो आप ए टू को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ पर ए टू है वहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए वन सब्सटीट्यूट कर दो। आई थिंक ए टू सिर्फ फोर्थ इक्वेशन में, सो फोर्थ इक्वेशन को आप लिखो एम जी माइनस एन वन इंटू म्यू वन माइनस टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ट्वाइस ऑफ एम इंटू ए वन। आप देखो चार इक्वेशन, चार वेरिएबल बचे हैं। अब किसे एलिमिनेट कर सकते हैं अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं एन वन को। थर्ड इक्वेशन को देखो, थर्ड इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमने लिख लिया, इसका कोई काम नहीं। थर्ड इक्वेशन से एन वन इज इक्वल टू एम इंटू ए वन, सो एन वन को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं सारी इक्वेशन से, जहां जहां एन वन है आपको एम इंटू ए वन लिखना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा टू टी माइनस एन वन विच इज एम इंटू ए वन माइनस एन टू इंटू म्यू टू दैट शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए वन, है ना? सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन में है टी प्लस एन वन, एन वन को क्या लिखना है आपको? एम इंटू ए वन, सो एम इंटू ए वन इंटू म्यू वन प्लस कैपिटल एम इंटू जी दैट शुड बी इक्वल टू एन टू, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आप फिर से लिखो एम जी माइनस जो एन वन था दैट वॉज एम इंटू ए वन ना, सो एम इंटू ए वन इंटू म्यू वन माइनस टेंशन दैट शुड बी इक्वल टू टू एम इंटू ए वन। अब देखो आपके पास कितने वेरिएबल बचे? तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन, है ना? वन टू थ्री। अब किसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम? एन टू को देखो, सेकेंड इक्वेशन से एन टू का वैल्यू हम लिख सकते हैं, एन टू का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गया, सो एन टू को भी एलिमिनेट कर दो। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में एन टू का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से पुट कर दो, सो एन टू भी एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को फिर से लिखूं टू टी माइनस एम इंटू ए वन माइनस
n2 into mu2. So n2 into mu2. So t into mu2 minus m a1 mu1 mu2 minus capital M g mu2. Right? Okay. Minus tension. कौन सा इक्वेशन मैं लिख रहा था 2t अच्छा हाँ ये रहा ना फर्स्ट इक्वेशन सो दैट शुड बी इक्वल टू माइनस टेंशन नहीं है दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू ए वन है ना ये वाला इक्वेशन मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख रहा था और मैं थर्ड वाली इक्वेशन में भी n2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो एम जी माइनस एम इंटू ए वन इंटू म्यू वन माइनस टेंशन अच्छा तो इसमें तो कोई है ही नहीं ना n2 सो ये आपका एज इट इज रहेगा सो अब हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल बचे हैं आप देखो सब कुछ एलिमिनेट हो गया अब हम टेंशन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये वाली इससे टेंशन का वैल्यू निकालो टेंशन कितना आ रहा है एम जी माइनस एम ए वन म्यू वन माइनस टू एम ए वन राइट और इस टेंशन को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा सिर्फ ए वन बचेगा लेट मी राइट टू इसमें मैं टेंशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ टू एम जी माइनस टू एम ए वन म्यू वन माइनस फोर टाइम्स ऑफ एम ए वन राइट माइनस एम ए वन माइनस टेंशन इंटू म्यू टू सो माइनस एम जी म्यू टू प्लस एम ए वन म्यू वन और म्यू टू है ना और प्लस टू एम ए वन इंटू म्यू टू राइट और यहाँ तक हो गया माइनस एम ए वन म्यू टू माइनस एम जी म्यू टू That should be equal to m into a1. Okay, fine. So, अब ये आपका final equation है यहाँ से आपको a1 निकालना है कुछ eliminate हो रहा है हाँ ये eliminate हो रहा है m a1 mu1 mu2. देखो m a1 mu1 mu2. ठीक है ये cancel हो रहा है अब हम बात करते हैं कि a1 वाले जो terms है उसे एक तरफ ले जाते हैं So, देखो m into a1 है ये है ना So, पहले जो 2mg, 2mg है ना जिसमें mu1 नहीं है वो सॉरी a1 नहीं है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो इसमें ए वन है इसमें ए वन है ए वन है ये आ रहा है माइनस एम जी म्यू टू और किस में इसमें भी ए वन है इसमें नहीं है माइनस एम जी म्यू टू राइट दैट शुड बी इक्वल टू अब जो टर्म्स बचे हैं उन्हें हम फाइनली उस तरफ ले जाएंगे सो एम इंटू ए वन और ये वाला टर्म उस तरफ जाएगा सो प्लस टू एम ए वन इंटू म्यू वन और ये माइनस फोर एम ए वन माइनस एम ए वन सो प्लस फाइव एम ए वन आ रहा है और ये माइनस में जा रहा है ये वाला टर्म सो माइनस टू एम ए वन इंटू म्यू वन राइट म्यू टू ए वन इंटू म्यू टू फाइन सो अभी आप देखो जो भी निकल के आ रहा होगा वही ए वन का वैल्यू होगा सो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल जा रहा है जी कॉमन निकल रहा है ना सो जी को तो कॉमन निकाल लेते हैं और इसमें से फिर एम बच रहा है और माइनस में एम जी इंटू म्यू टू भी कॉमन निकल रहा है ना म्यू टू भी कॉमन आ जाएगा सो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ रहा है राइट और यहाँ से डिवाइड में क्या क्या आ रहा है डिवाइड में चेक करो कैपिटल एम है और ए वन कॉमन आ गया ना ए वन कॉमन है सो कैपिटल एम प्लस टू एम इंटू म्यू वन प्लस फाइव टाइम्स ऑफ एम और माइनस टू एम इंटू म्यू टू सो इस तरह से कुछ कुछ आ रहा है और हम क्या करते हैं यहाँ से स्मॉल एम कॉमन निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर में देखो स्मॉल एम अगर मैंने कॉमन निकाला सो अंदर आ रहा है फाइव प्लस और टू भी कॉमन आ जाएगा इसमें से तो म्यू वन माइनस म्यू टू एक बार चेक कर लेना किस फॉर्म में आंसर दिया है अब इसके साथ ना यू कैन प्ले राइट टू रीअरेंज द इक्वेशंस सो इस तरह से देखो लेट मी चेक इफ आई एम करेक्ट सो व्हाट्स द वैल्यू ओके आप चेक कर लेना है ना ये आंसर आ रहा होगा फाइन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम और फर्दर आप देखो यहाँ पे आप m1 और m2 को एज अ सिस्टम ट्रीट नहीं कर सकते क्यों नहीं ट्रीट कर सकते बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स सो आप इनको एज अ सिस्टम ट्रीट नहीं कर सकते है ना Fine. If you have any confusion, we can discuss in the telegram. Okay, guys, keep working hard. Best of luck for your exams.